हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीएसटी पोर्टल पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री दिल्ली में है, आपने उसके लिए गोडाउन लिया है, तो उस गोडाउन वाले एड्रेस को जीएसटी के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करवाना होगा। सेम इसी तरीके से ई कॉमर्स सेलर्स जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जो सेल करते हैं, जब उनका वो वेयर हाउस यूज़ करते हैं, जो उनका एड्रेस होता है एडिशनल प्लेस में, उन्हें भी जीएसटी में दिखाना होता है। तो आइए जानते हैं कैसे एडिशनल प्लेस को ऐड किया जाता है जीएसटी पोर्टल के अंदर। सबसे पहले हम सर्विसेज के टाइप में आएंगे, उसके बाद आप आएंगे रजिस्ट्रेशन में, फिर आप आएंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड के अंदर, उसके बाद आप सबसे पहले आप जाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे इसे पहले टिक कर लीजिएगा एडिशनल प्लेस वाले को ऑप्शन को, यहाँ पे हमने टिक किया। उसके बाद हम जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे जितने भी आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे इतने यहाँ पे टाइप कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको एक करके दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसमें ऐड न्यू कर रहा हूँ। जितने भी आपके रेड मार्क हैं ये, वो आप सारे मैंडेटरी आपको सारे फिल करने हैं। एडिशनल प्लेस का जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग, एड्रेस, ये सारे आपको इसमें फिल करने हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का है तो ओन सेलेक्ट कीजिए, रेंटेड पे रेंटेड है तो रेंट पे, लीज पे लिया है तो लीज पे, ये जो भी जिस प्रकार से आपने लिया है वो उस पर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आपने रेंट पे लिया है तो आप रेंट पे सेलेक्ट करके उसमें क्या प्रूफ लगा सकते हैं, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ये आप ये जिसमें रेंट एग्रीमेंट, ये प्रूफ उसमें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम रेंट एग्रीमेंट हमने सेलेक्ट कराया यहाँ पे। उसके बाद जो आपने एडिशनल प्लेस लिया है वहाँ पर आप क्या एक्टिविटी करेंगे, जैसे आप उसमें होलसेल बिजनेस करेंगे या फिर कोई रिटेल बिजनेस, जो भी आप उसमें करेंगे उस पर आप टिक कर दीजिएगा। आप आपको रीज़न टाइप करना है, आपने किस वजह से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, तो आप उसका रीज़न टाइप कर दीजिएगा। आपको डेट ऑफ अमेंडमेंट, किस डेट से वो कर रहे हैं अमेंड, तो आपको यहाँ पे डेट टाइप करनी है। उसके बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से, ठीक है। सेव करने के बाद आप वेरीफिकेशन के टाइप में आएंगे, आप इसकी वेरीफिकेशन कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ आप अपना प्लेस डाल दीजिएगा। आप इसे DSC या फिर नॉर्मली EVC से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे EVC डालेंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हमने इसमें कोई अभी ऐड नहीं किया है तो इसलिए एरर दिखा रहा है। जैसे आप उसे ऐड करके नेक्स्ट टैब में वेरिफिकेशन में आएंगे तो ये एरर नहीं आएगा, तो आप आसानी से उसकी वेरीफाई उसे कर सकते हैं DSC या फिर EVC के द्वारा। ये सबमिट होने के बाद आपके पास मेल आईडी पे और फ़ोन पे आपका एरर नंबर आएगा, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस GST के RC में कैसे आता है। ये GST के RC है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। जो भी आपने एडिशनल प्लेस उसमें ऐड करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। पहले कैसे होगा, जब पहले ऐड नहीं हुआ था तो इसमें GST के RC यहाँ पे जीरो लिखा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जीरो है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे GST के RC में यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। और आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि जो हमने अमेंड किया था उसका स्टेटस क्या है, तो आप उसे आप नॉर्मली लॉगिन करके या फिर विदाउट लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। आप आएंगे सर्विस टैब में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में, फिर आप आएंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर। आपके पास जो AR नंबर आया होगा वो AR नंबर यहाँ पे टाइप करके आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपको उसका स्टेटस शो हो जाएगा। नॉर्मली आप उसे सबमिशन पीरियड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने किस डेट से किस डेट के बीच में किया है सर्च करके, आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।